अगर आपके लिप्स काले हैं, डार्क हैं, उन पे पपड़ी सी जमी रहती है और कितने भी आपने क्रीम्स लगाकर उसको सही कर लिया लेकिन वो बहुत ही काले हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। उससे आपके होंठ एकदम पिंक लिप्स हो जाएंगे और हाइड्रेट हो जाएंगे और आप विदाउट कोई लिपस्टिक टिंट लगाए भी ऐसे ही कहीं भी जा सकते हैं। तो बस आइए शुरू करते हैं। मैंने बस एक बॉल में थोड़ी सी, आधी से भी कम थोड़ी सी शक्कर ले ली है चीनी, और इसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे। इसमें तकरीबन 4-5 कतरे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। इसलिए हमें थोड़ी सी बस थोड़ा सा लिक्विड सा फॉर्म में आ जानी चाहिए शक्कर, और फिंगर से ही मिक्स करनी है। तो इसको हम इसी तरह फिंगर से लेके अपने लिप्स पे आहिस्ता आहिस्ता इसका मसाज करेंगे, इसको एक्सफोलिएट करेंगे ताकि हमारे लिप्स के जितने भी डेड सेल हैं वो सब जिंदा हो जाएँ और उनमें जान आ जाए। शक्कर मोटी होनी चाहिए और इसमें आप चाहें तो शहद भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है और बस मैं अच्छी तरह इसे अराउंड लिप स्क्रब्स करूँगी और बहुत जेंटल फिंगर से इसको ऐसा ऐसा तकरीबन 1 मिनट तक मलना है। इसे लिप्स पर 1 मिनट तक लगा के रखना है ताकि हमारे लिप्स एक्सफोलिएट हो जाएँ अच्छी तरह। देन इसको टिश्यू से रिमूव कर देना है बहुत आहिस्ता आहिस्ता। इसके बाद हमें लेना है लेमन और इसको कट करने के बाद इसके चंद कतरे ही डालेंगे। और इसके बाद हमें 1 पिंच हल्दी लेनी है। टर्मरिक से हमारे जो डार्क लिप्स होते हैं वो एकदम पिंकिश हो जाएंगे और ये वैसे भी एंटीसेप्टिक होती है, खानों में भी यूज़ होती है और स्किन प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी डलती है। तो बस हमें 1 पिंच ही हल्दी लेनी है और जो हमने लेमन कट किया था उसके चंद कतरे इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फिंगर से ही हम मिक्स करेंगे। इसमें लेमन प्लस हल्दी है टर्मरिक जो हमारे जो लिप्स की जो डार्कनेस है उसे रिमूव कर देगी। देन टेक्निक वर्क्स, इसकी आप थिक कोटिंग लगा लें अपने लिप्स पर फिंगर के थ्रू और कोई मसला नहीं होगा। थोड़ा सा ये पिगमेंट छोड़ देगी हल्दी से थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो जाती है, बट डोंट वरी, इसे हम अच्छे से वॉश कर देंगे। ये लेमन के थ्रू रगड़ कर साफ़ करने से एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, बट हमारे लिप्स बहुत अच्छे से प्लम्प और एकदम पिंक हो जाएंगे, आप खुद देखिएगा। इसे लगाने के बाद भी हमें 1 मिनट तक वेट करना है और इसको बिल्कुल हमें ड्राई होने देना है। इसके बाद कोई भी हम क्लीन टिश्यू ले लेंगे या कोई आप चाहे तो टॉवल ले सकते हैं। मैं टिश्यू की हेल्प से इसे अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। हल्दी टर्मरिक वैसे भी एंटीसेप्टिक होती है, ज़ख़म को या जो भी इरिटेशन होती है उसे हील करती है। देन हम रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे अपने फेस पर और लिप्स को भी हाइड्रेट करेंगे इस तरह, क्योंकि गर्मियां ज़्यादा हैं, थोड़ी थोड़ी देर में आप रोज़ वाटर का स्प्रे करते रहें और टिश्यू से अगेन हम अपने लिप्स को क्लीन करेंगे। सो गाइज, दिस इज़ वेरी गुड लिप केयर रूटीन, आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपके होंठ लिप्स बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएंगे और फिर पिंक हो जाएंगे।
कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे बाम यूज़ करते हैं, कोको बीन का लश ऑर्गेनिक स्क्रब्स यूज़ करते हैं लिप्स के लिए, और लेकिन आप चाहें तो DIY स्क्रब भी बना सकते हैं, उसके भी रिज़ल्ट अमेजिंग होते हैं। और देन आई एम यूजिंग लश ऑर्गेनिक बाम, लिप केयर के लिए बहुत अच्छा है ये। और बस इसकी हल्की सी आप लेयर लगा लें। आप चाहें तो वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए। अगर कुछ भी ना मिले तो आप लोग ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल अपने लिप्स पे लगा के रात को सो जाएं, इवन आप अपने फेस पर भी लगा के सो जाएं, तो आप देखेंगे उसके रिज़ल्ट कितने अच्छे होंगे। सुबह आप जब उठेंगे आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट और एकदम मुलायम होगी और इतने लिप्स इतने हाइड्रेट होंगे तो आपको बहुत अच्छा सा फील होगा। देन आप ये यूज़ करके एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, बस मैंने ये होगी मेरी लिप केयर रूटीन। We are done with the video. I am such a rush. Don't forget to subscribe my channel. और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब my channel. मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखिएगा और पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा। पानी का जितना इंटेक रखेंगे आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगी। सो फ्रेंड मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़। Bye-bye.